गाइस, तो फाइनली 4 जुलाई को ये Asus Zenfone 5Z लॉन्च होने वाला है और इसका कुछ लीक सभी Flipkart के ऑफिशियल साइट्स में आ चुके हैं, जहां पर कि ये कल के लॉन्च से पहले कुछ लीक्स आए हैं। तो लीक्स के अनुसार इसका 3 वेरिएंट आएंगे, जिसका कि 6GB 64GB वेरिएंट और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वेरिएंट और जो तीसरा वेरिएंट होगा वो है 8GB एंड 256 वेरिएंट। जो कि पहला जो वेरिएंट था 6GB 64GB वेरिएंट, उसका प्राइस रेंज लगभग 30,000 रहेगा और जो दूसरा वेरिएंट 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस रहेगा 33,000 रुपीज़, यानी कि 33,999 रहेगा, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। और जो 8GB 256GB वेरिएंट रहेगा, उसका प्राइस 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब कि 36,999 रहेगा। और जो EMI स्टार्ट होगा वो नो कॉस्ट EMI होगा, जिसका कि होस्ट करेगा खुद ही फ्लिपकार्ट, जिसका कि EMI का कॉस्ट होगा 1,097 रुपीज़। और ये डायरेक्टली टक्कर देगा हमारे जो Huawei के P20 Pro है और जो OnePlus 6 है, जिसमें कि दोनों में ही हमारा 845 का स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें भी हमारा स्नैपड्रैगन 845 की प्रोसेसर रहेगा और इसमें Zen UI हमारा चलेगा 5.0 और ये ओरियो बेस्ड होगा 8.0 का, और इसमें डुअल नैनो सिम रहेगा 6.2 इंच फुल HD प्लस 1080x2246 फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगा LCD पैनल, और जो इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा वो ये 19:9 रहेगा। ठीक है, तो इसमें Adreno 5 630 GPU रहेगा और जो कैमरा सेटअप रहेगा वो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा विथ f/1.8 अपरेचर रहेगा, और जो दूसरा कैमरा होगा सेकेंडरी सेंसर, उसका जो अपरेचर रहेगा वो f/2.2 होगा और वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसका अपरेचर रहेगा f/2.0 और जिसका पिक्सल सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल और वो एक वाइड एंगल लेंस होगा 84 डिग्री का फील्ड व्यू लेंस वो है। तो ये जो लीक्स है वो ऑफिशियल साइट्स में अभी अवेलेबल है, लेकिन अभी अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी अगर आपको बताऊंगा कि अगर ये कल लॉन्च होने वाला है, इसका प्राइस वेरी कर सकता है। ये लगभग जो यूरोपियन अगर मैं कन्वर्ट करूँ 479 यूरोपियन प्राइस अगर होगा, इसका रफली प्राइस होगा 38,300 जो 6GB वेरिएंट 64GB इंटरनल स्टोरेज का। तो प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन जो ये वाला जो फ़ोन है ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग OnePlus 6 है और जो Huawei P20 Pro है, उन दोनों को ये डायरेक्टली टक्कर देगा। और इसमें भी ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो अपरेचर रहेगा, उसका जो माइक्रोम साइज रहेगा, पिक्सल का साइज रहेगा, वो 1.4 माइक्रोम साइज रहेगा, जिसका मतलब कि वो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा और लो लाइट में बहुत ही अच्छा उसका फोटोज मिल जाएगा। तो वो ऑफिशियल साइट्स में भी आप देख सकते हैं कि कल वो लॉन्च होने वाला है, और देखते हैं 12:30 बजे कि इसका प्राइस वो क्या रखते हैं। और एक्सपेक्टेशन तो अच्छा है, देखते हैं कि क्या सिर्फ कैमरा में ये फोकस करते हैं या और भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसमें 8.0 तो देना चाहिए, तो ये वो तो नॉर्मल सी बात हो गया, लेकिन इसमें 8.1 अगर होता तो बहुत अच्छा होता। इसमें सोनी का IMX 363 दिया गया है, जो कि बहुत ही मस्त है, जिसमें कि लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन ये देखने के लिए बात ये होगा कि ये सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होगा या वो पूरा ओवरऑली एक वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो कल देखते हैं कि क्या ये अच्छा प्राइस रहेगा या नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लीक वाले वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, थैंंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।